अब ये जो वीडियो देख रहे हैं ये बकेट व्हील टाइप स्टैकर कम रिक्लेमर मशीन है। इसी मशीन का आपको पूरा जानकारी दूंगा। ये मशीन काम कैसे करता है, कैसे चलता है ये, इसका इंटरलॉकिंग क्या क्या है, इसमें कितना को पार्ट है, इसका फंक्शन क्या है, इस मशीन को जो चलाएगा, जो ऑपरेटर चलाएगा, उसका असिस्टेंट जो रहेगा, वो लोग का पेमेंट कितना मिलता है, इसी का जानकारी पूरा इसी वीडियो में आप लोग को मिलेगा। आपको थर्मल पावर प्लांट पर काम करना है तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, थोड़ा नॉलेज ले लीजिए, नॉलेज लेके हम लोग से कांटेक्ट कीजिए, कोशिश करूँगा आपका नज़दीक का कोई प्लांट पे आपको नौकरी दिलाने का। इस मशीन को समझने के लिए आपको 7 पार्ट का जानकारी होना चाहिए तो ये मशीन टोटली आपका इजी हो जाएगा। 1 नंबर है ट्रैवल सिस्टम, इसका ट्रैवल सिस्टम है उसको जानना पड़ेगा। बूम कन्वेयर सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। बकेट व्हील इसके बारे में जानना पड़ेगा। लाप सिस्टम के लिए जानना पड़ेगा। इंटरमीडिएट कन्वेयर के लिए जानना पड़ेगा। क्रॉस कन्वेयर और स्लीव, ये टोटल 7 पार्ट को हम इसी वीडियो में बता रहा हूँ एक एक करके। पहले आप ट्रैवल सिस्टम को देख लीजिए। ये ट्रैवल जो होता है स्टैकर कम रिक्लेमर मशीन ट्रैवल होता है रेलवे ट्रैक के ऊपर। तो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो ट्रैवल होगा वो रेलवे ट्रैक का जो लेंथ है वो 350 मीटर तक उसको आगे पीछे हम लोग लेके जा सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया है, इस साइड 12 व्हील लगा दिया, मतलब चक्का लगा दिया, ऑपोजिट साइड में भी 12 है, दोनों साइड 12-12 करके 24 आपका व्हील लगा दिया, मतलब रेलवे चक्का लगा दिया। अभी मशीन को आप फॉरवर्ड लेंगे, रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे, अब मोटर का कमेंट देंगे तो मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और आपका स्टैकर कम रिक्लेमर मशीन आपका रेलवे के ट्रैक के ऊपर फॉरवर्ड रिवर्स होगा। तो इसके लिए मोटर कितना लगा है, इस साइड 6 मोटर लगा है, ऑपोजिट साइड में भी 6 मोटर लगा है, टोटल 12 मोटर है इसमें। और इस मोटर का साथ आपका गियर बॉक्स भी 12 ही है। मोटर आपका रेटिंग कितना है, 5.5 किलोवाट का मोटर लगा है। स्टैकर का ऑपरेशन केबिन को पहले देख लीजिए। ये जो सामने दिखाई दे रहा है छोटा वाला केबिन है, ये ऑपरेशन केबिन है। इसी केबिन से टोटल इक्विपमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है। रिक्लेमिंग पाथ को पहले देख लीजिए, ये अभी रिक्लेमिंग हो रहा है। देखिए बकेट व्हील एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बकेट व्हील एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, आपका बूम कन्वेयर में कोल डिस्चार्ज कर देगा। ये बूम कन्वेयर है, बूम कन्वेयर क्या करेगा, आपका सेंट्रल चूट का भाया यार्ड कन्वेयर में कोल डिस्चार्ज कर देगा। ये आपका रिक्लेमिंग का प्रोसीड्योर है। स्टैकिंग पाथ को देख लीजिए, ये देखिए ये यार्ड कन्वेयर है, यार्ड कन्वेयर अभी रिवर्स में चल रहा है तो उसको फॉरवर्ड में घुमाएगा। फॉरवर्ड में जैसे घुमा दिया कंट्रोल रूम से तो कोल क्या होगा, स्टैकर तक जाएगा। स्टैकर में जाके कहाँ जाएगा, आपका क्रॉस कन्वेयर में कोल डिस्चार्ज होगा। क्रॉस कन्वेयर क्या करेगा, इंटरमीडिएट को कोल डिस्चार्ज कर देगा। इंटरमीडिएट क्या करेगा, आपका बूम कन्वेयर में कोल डिस्चार्ज कर देगा। बूम कन्वेयर से आपका यार्ड में कोल डिस्चार्ज कर देगा। अभी इसका रिक्लेमिंग हो रहा है, देख लीजिए रिक्लेमिंग का प्रोसीड्यूर क्या है। ये ऑपरेशन केबिन है, ये ऑपरेशन केबिन में एक ऑपरेटर बैठा है और एक असिस्टेंट है जो इक्विपमेंट को बीच बीच में चेक करता है। तो देख लीजिए रिक्लेमिंग कैसे हो रहा है। देखिए ये बकेट व्हील है, हम अलग अलग से वीडियो दूंगा आप लोग को, जैसे आप लोग को टोटली डेप्थ मिलेगा इसमें। देखिए ये बकेट घूम रहा है, बकेट क्या कर रहा है, कोल उठा रहा है, कोल उठा के क्या कर रहा है, देखिए वो डिस्चार्ज कर दे रहा है। वो बूम कन्वेयर है, कन्वेयर घूम रहा है, वो बूम कन्वेयर में डिस्चार्ज कर दे रहा है, यही काम है उसका और कुछ नहीं है। स्टैकर का टॉप व्यू देख लीजिए, ये बूम कन्वेयर है, ये बोर्ड डायरेक्शन पर घूमता है। अभी रिवर्स चल रहा है, मतलब ये रिक्लेमिंग हो रहा है इसीलिए रिवर्स चलाया गया है उसको। अभी फॉरवर्ड चलाऊँगा तो स्टैकिंग हो जाएगा, वो मतलब कोल यार्ड पे ही गिरेगा, बकेट चलाने का जरूरत ही नहीं है। अभी इस रिक्लेमिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए बकेट घूम रहा है, बकेट घूम रहा है और उसका कोल कैसे लाइनर प्लेट होके बूम कन्वेयर में गिर रहा है। ये बूम कन्वेयर का जो कैपेसिटी है ये 1600 TPH है, मतलब 1 घंटा में 1600 TPH कोल एक जगह से दूसरा जगह में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल फीट थोड़ा कम है, ये 700 से 800 TPH तक है इसमें। अभी देखिए बूम कन्वेयर कोल कहाँ गिरा रहा है, बूम कन्वेयर कोल को सेंट्रल चूट का भाया डायरेक्ट यार्ड कन्वेयर में गिरा दे रहा है। यार्ड कन्वेयर देख लीजिए, यार्ड कन्वेयर में कोल गिरा रहा है। देखिए ये यार्ड कन्वेयर क्या होगा, यार्ड कन्वेयर भी रिवर्स में घूम रहा है, ये कोल जा रहा है बंकर। इसी हिसाब से आपका रिक्लेमिंग किया जाता है। अभी बकेट व्हील का ऑपरेशन देख लीजिए, बकेट व्हील अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब रिक्लेमिंग हो रहा है। इसको क्लॉकवाइज भी हम लोग घुमा सकते हैं मेंटेनेंस का पर्पज़, कोई मेंटेनेंस का काम होगा तो आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं उसको, लेकिन अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब कोल उठा के बूम कन्वेयर में डिस्चार्ज कर दे रहा है, रिक्लेमिंग हो रहा है। इसका जो रोटेशन है मैक्सिमम रोटेशन है 20 RPM, मतलब 1 मिनट में 20 बार वो रोटेट हो पाएगा।
और इसका जो बाकेट का जो कैपेसिटी है ये 250 लीटर है। ये देखिए बाकेट व्हील जो घूम रहा है ये हाइड्रोलिक पावर पैक के द्वारा एक घुस को घुमाया जाता है। ये देखिए वो ड्राइव मोटर लगा दिया है, ये मास्कट कंपनी का हाइड्रोलिक मोटर है। आप इस वीडियो को दो बार रिपीट करके देखिए, आपको ये मशीन टोटली इजी लगेगा। नॉर्मली स्टैकर कम रिक्लेमर मशीन को चलाने के लिए दो आदमी को ज़रूरत है, एक ऑपरेटर रहता है और उसका साथ एक असिस्टेंट रहता है। तो ऑपरेटर का जो पेमेंट रेंज रहता है ये 20,000 से 45,000 के आसपास ही रहता है, असिस्टेंट का उसे थोड़ा कम रहता है। आपको अगर लग रहा है जी इस मशीन को आप चला पाएंगे, सीखना चाहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग कोशिश करूँगा आपको घर का आसपास नज़दीक कोई प्लांट में आपको जॉब लगाने का। इस वीडियो को आपका फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, इसमें आपका देखिए ये बूम कन्वेयर है। ये बूम कन्वेयर क्या होता है, ये लाफ अप डाउन सिलेंडर है। ये सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, ये लाफ अप डाउन सिलेंडर है। ये देखिए ये दोनों साइड पे है, इस साइड पे एक है, उस साइड पे एक है। ये सिलेंडर का पावर पैक इसी आसपास ही है, वो दिखाऊंगा, ऊपर जाके दिखा पाऊंगा। ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोलिक पावर पैक है। ये पावर पैक का मदद से ऑयल प्रेशर क्रिएट करके ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का को अप डाउन हम कर सकते हैं। अगर जिसे लेवल पर आप कोल काटेंगे, जैसे 9 मीटर में कोल काटना है तो इसको हाइट करना पड़ेगा। अभी 3 मीटर में कोल काट रहा है तो उसी हिसाब से है। ये लाफ अप डाउन लिमिट स्विच है, यहाँ पे 4 गो टोटल लिमिट स्विच लगाया है। देखिए टोटल 4 लिमिट स्विच है और एक प्रॉक्सिमिटी स्विच है। 4 लिमिट स्विच क्या है, एक नॉर्मल हाइट जो है 11 मीटर, ये नॉर्मल हाइट जो है 11 मीटर तक है। ये नॉर्मल डाउन जो है 1 मीटर तक ये है, ये लिमिट है। मतलब क्या होगा, ये बूम कन्वेयर जब हाइट होगा उसको उठाएंगे तो ये लिमिट क्या करेगा, ये वाला स्ट्रैकर यहाँ पे काटेगा तो बोलेगा जी हाँ, इस कटर में फीडबैक जाएगा जी 11 मीटर तक वो आ गया है और वो आप जा नहीं सकते, ऊपर हाइट नहीं कर सकते आप, ऑटोमेटिकली उसका मोशन स्टॉप होगा। अगर ज़्यादा डाउन करेंगे 1 मीटर, देखिए 1 मीटर का लिमिट यहाँ पे लगा है, ये 1 मीटर का लगा है, ये अगर डाउन होगा तो वो भी आपका कटेगा, तो बोलेगा जी नहीं और नीचे आप लेके नहीं आ सकते। लेकिन आप ज़बरदस्ती सोच लीजिए ये लिमिट आपका काम नहीं किया, ये लिमिट आपका काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ओवर ट्रेवल लिमिट लगा दिया यहाँ पे दो। अब 11 मीटर का ऊपर अब जाएंगे तो लाफ आप जो है वो कटेगा, ये लिमिट स्विच कट जाएगा। लिमिट कटेगा तो क्या होगा, देखिए ज़्यादा हाइट कर रहा है तो ये स्टैकर क्या करेगा, जाके ओवर ट्रेवल लिमिट को इस लीवर को टच करेगा। इस लिमिट को जैसे टच कर दिया तो क्या करेगा, पूरा सिस्टम को ही बंद कर देगा। मतलब हाइड्रोलिक पावर पैक का सिस्टम जो पावर पैक चल रहा है वो पावर पैक को ही बंद कर देगा। वो अगर डाउन की एक कर रहे हैं आप 1 मीटर तक है, ठीक है, इस लिमिट काम नहीं किया आपको, ये लिमिट सोच लीजिए ख़राब है वा फॉल्स मार दिया, कुछ भी हो गया, तो ओवर ट्रेवल लिमिट और एक सेफ्टी इक्विपमेंट लगा दिया, हैवी सेफ्टी इक्विपमेंट, क्या करेगा 0 डिग्री लेके जाएंगे तो क्या होगा, कोयला तो नहीं है और मिट्टी मिलेगा, नहीं तो सैंड मिलेगा, तो क्या करेगा आपको लिमिट स्विच के फीडबैक से आपका हाइड्रोलिक पावर पंप को बंद कर देगा, टिप कर देगा। ये आपका इंटरलॉकिंग है और ये प्रॉक्सिमिटी स्विच देख लीजिए, फिर प्रॉक्सिमिटी स्विच के ये बूम कन्वेयर जो है ये अभी हॉरिजेंटल पे है, इसके एंगल अभी 0-0 है, डाउन भी नहीं है, हाइट भी नहीं है। ये अभी हॉरिजेंटल है कि नहीं, कंट्रोल रूम से कैसे पता चलेगा, आप ऑपरेटिंग कर रहे हैं फील्ड में तो आपके बार बार आके देखेंगे नहीं है, तो कंट्रोल रूम में क्या होगा, आपको दिखाएगा जी हाँ आपका बूम कन्वेयर पूरा 0-0 पे है। मतलब ये प्रॉक्सी सेंस कर देगा, मतलब कंट्रोल में पता चल जाएगा आपका जी हाँ पूरा हॉरिजेंटल में हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, हॉरिजेंटल में बूम कन्वेयर को यार्ड चेंज कर सकते हैं, यार्ड अभी 1 नंबर पे है, तो हॉरिजेंटल करने के बाद आप 1 नंबर से 2 नंबर लेके आ सकते हैं, 2 नंबर से 1 नंबर लेके आ सकते हैं। अभी जिस यार्ड पे आपका कोल रिक्लेमिंग स्टैकिंग करना है उसी यार्ड से आप लेके आ सकते हैं। ये आपका लाफ अप डाउन सिलेंडर का फंक्शन है। ये लाफ अप डाउन जो सिलेंडर दिखाई दे रहा है आपको दोनों साइड एक एक करके है, ये लाफ अप डाउन सिलेंडर का जो प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब ये टोटल ऑपरेशन जो है वो प्रेशर से ही हो रहा है। तो हाइड्रोलिक पावर पैक लगा है इसमें, देखिए ये पाइपलाइन जो आ रहा है मेटल जो है, ये आपका ऑयल का पाइपलाइन है, कोई इनलाइन है, कोई आउटलाइन है, कोई स्पीड कंट्रोल है, कोई ड्रेन लाइन है, 4 गो लगा है। तो ये क्या करेगा, ये पाइप आपका जाते जाते ये हाइड्रोलिक पावर पैक है, ये सबके लिए अलग अलग है। ये बूम कन्वेयर ये लाफ के लिए है,
तो कोई सिलू के लिए है, इस हिसाब से है, कोई बूम कन्वेयर के लिए है। तो ये पावर पैक फर्स्ट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। पावर पैक जैसे स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप कमेंट दे सकते हैं, लाफ अप डाउन करना है, स्लीव करना है, बूम कन्वेयर चलाना है, इंटरमीडिएट कन्वेयर चलाना है। ये सब का सेपरेट सेपरेट एक एक करके पावर पैक लगा है इसमें। यह हाइड्रोलिक पावर पैक है। यह अभी डोर क्लोज है, डोर को खोलना पड़ेगा तब आपको पता चल जाएगा अंदर क्या है। इसके लिए अलग से एक वीडियो आपको दूंगा, हाइड्रोलिक पावर पैक का फंक्शन क्या है। ये देख लीजिए, ये बूम कन्वेयर का ड्राइव मोटर है, बूम कन्वेयर का हेड पुली में लगा है। ये बोर्ड डायरेक्शन में घूमता है बूम कन्वेयर। अगर फॉरवर्ड लेन लेंगे आप तो स्टैकिंग होगा, रिवर्स लेंगे तो आपका रिक्लेमिंग होगा। तो इसका लिए क्या किया गया है, ये भी हाइड्रोलिक पावर पैक लगा है इसमें। और ये जो दो मोटर दिखाई दे रहा है आपको, हाइड्रोलिक ड्राइव मोटर, देखिए एक उस साइड पर है, एक इस साइड पर है, येलो कलर का एक इस साइड पर दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, ये भी हाइड्रोलिक मोटर है। ये स्लीव के लिए है। ये बूम कन्वेयर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कैंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये दोनों घुमाने के लिए हाइड्रोलिक मोटर लगा है इसमें। ये दोनों का पावर पैक, ये देखिए, ये सेकेंड वाला जो पावर पैक है, ये सेकेंड वाला जो पावर पैक है, ये आपका देखिए, ये दोनों का जो पावर पैक है, मतलब बूम कन्वेयर और स्लीव का पावर पैक कॉमन कर दिया गया है इसमें। इसी पावर पैक का जो प्रेशर क्रिएट होगा, ये दोनों पे डिवाइडेशन होगा, मतलब स्लीव में भी होगा, बूम में भी होगा। आपको बूम चलाना है तो बूम भी चला सकते हैं एक ही पावर पैक का मदद से, स्लीव करना है तो स्लीव भी कर सकते हैं। स्टैकिंग जब होगा तब उसका ऑपरेशन कैसे होगा, देखिए ये यार्ड कन्वेयर है, ये कन्वेयर यार्ड कन्वेयर है, इसी कोल आपका रिवर्स में घूमेगा, रिवर्स में घूमेगा तो ये कोल क्या होगा, इस कन्वेयर से कोल आएगा, कोल आते 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 इसके क्या करेगा, क्रॉस कन्वेयर का जो जूट है, ये क्रॉस कन्वेयर है, क्रॉस कन्वेयर का चूट में डिसच कर देगा कोल। क्रॉस कन्वेयर क्या करेगा, क्रॉस कन्वेयर रिसीव करके कोल को इंटरमीडिएट कन्वेयर, देखिए साइड में जो इंटरमीडिएट कन्वेयर है, ये इंटरमीडिएट कन्वेयर में कोल को डिसच कर देगा। इंटरमीडिएट कन्वेयर में डिसच करने के बाद ये चला जाएगा पूरा बूम कन्वेयर में, वो बूम कन्वेयर में डिसच करेगा। अब बूम कन्वेयर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमा हुआ है तो वो पूरा यार्ड में कोल स्टैक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्रॉस कन्वेयर है, छोटा कन्वेयर है, बहुत ही छोटा कन्वेयर है। इस कन्वेयर को घुमाने के लिए LT मोटर लगाया है, 22 किलोवाट का एक मोटर लगाया है। 22 किलोवाट का मोटर के साथ एक गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के साथ ये देखिए हेड फुली है। जैसे मोटर घूमेगा तो क्या होगा, आपका गियर बॉक्स भी घूमेगा, उसके साथ पुली भी घूम जाएगा। गियर बॉक्स का रीज़न क्या है, उसके स्पीड का कंट्रोल करने के लिए। इसका जो स्पीड है, उतना स्पीड तो कन्वेयर को नहीं चाहिए, कन्वेयर का स्पीड 3.2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब उतना स्पीड में उसको घुमाना है। लेकिन मोटर क्या होगा, ये 1400 RPM में घूम सकते हैं, 3000 RPM में भी घूम सकते हैं, लेकिन वो स्पीड को डिक्रीज करने के लिए गियर बॉक्स को लगाया जाता है, उसके साथ ये पुली लगा हुआ है। ये हेड पुली है और इसका एक टेल पुली है। देख लीजिए, पहले ए स्टैकर का ऑपरेशन केबिन है, इसी कवर में आपका एक PLC लगा दिया गया है, जो PLC के मदद से फील्ड का जितना भी इक्विपमेंट है सबका इंडिकेशन यहाँ पे है। यहीं से आपको पता चल जाएगा फील्ड में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा इक्विपमेंट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जो चलेगा वो रेड दिखाएगा, जो नहीं चलेगा वो आपका ग्रीन दिखाएगा, और जो आपका येलो दिखाएगा वो मतलब फॉल्ट है। तो अभी देख लीजिए, अभी चल का क्या क्या चल रहा है। ए वाला जो कन्वेयर है ये चल रहा है, जो फील्ड में जो है यार्ड कन्वेयर चल रहा है, बूम कन्वेयर चल रहा है, और ये बाकेट व्हील घूम रहा है, मतलब बाकेट व्हील का रेड इंडिकेशन है, मतलब ये चल रहा है, ये तीनों चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये रिक्लेमिंग हो रहा है अभी, मतलब कोल को यार्ड से उठा के बंकर में भेजा जा रहा है। तो कैसे हो रहा है देख लीजिए, बाकेट व्हील एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घूम के क्या करेगा, कोल यार्ड से उठा के बूम कन्वेयर में डिस्चार्ज कर देगा। बूम कन्वेयर में जैसे डिस्चार्ज कर दिया, बूम कन्वेयर क्या करेगा, रिवर्स में चल रहा है ये, तो ये कोल को डिस्चार्ज करेगा यार्ड कन्वेयर में, यार्ड कन्वेयर में रिवर्स में चल रहा है, तो यार्ड कन्वेयर क्या करेगा, ये कोल को लेके जाके बंकर में भेज देगा। ये जो फुटेज है ओनली स्टैकर का ही फुटेज है, बंकर क्रासर फील्ड का कोई फुटेज नहीं है इसमें, इसीलिए आपको ओनली स्टैकर का ही पता चल जाएगा और अदर्स कुछ पता नहीं चलेगा। ये कोल बंकर में जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन किसका पास रहेगा, मेन कंट्रोल में जो बैठा है उसका पास पूरा CHP का फुटेज है, मतलब कोल हैंडलिंग प्लांट का टोटल फुटेज है। वो लोग को पता चलेगा कोल को कहाँ कहाँ भेज रहा है वो लोग। अभी देख लीजिए,
इसको अभी रिस्टैकिंग में करना है, आपको स्टैकिंग में चलाना है। तो क्या करेंगे, ये बूम कन्वेयर जो है, बाकेट चलाने का जरूरत नहीं है, बाकेट ओनली फॉर रिक्लेमिंग के लिए है। बूम कन्वेयर को रिवर्स चल रहा था रिक्लेमिंग के लिए, अभी इसको स्टैकिंग करना है, तो बूम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है, उल्टा डायरेक्शन चलेगा। जैसे चलेगा ये कोल फील्ड में गिर जाएगा, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमेगा। ये बूम कन्वेयर का कौन कोल गिराएगा, ये देखिए, ये उसका ऊपर एक कन्वेयर है जो इंटरमीडिएट कन्वेयर है, इसको देख लीजिए, ये अभी स्टैकिंग करेंगे आप। तो बूम कन्वेयर में कोल गिराना है, तो कैसे गिराएंगे, उसका ऊपर इंटरमीडिएट कन्वेयर है। इंटरमीडिएट मतलब बूम और क्रॉस का बीच में जो कोल लेता है, जिस कन्वेयर कोल लेता है, वो इसको इंटरमीडिएट कन्वेयर बोला जाता है। तो इंटरमीडिएट में कोल क्या करेगा, बूम कन्वेयर में डिस्चार्ज करेगा। तो इंटरमीडिएट को कौन कोल देगा, उसका बीच में देखिए छोटा वाला कन्वेयर है, ये क्रॉस कन्वेयर है, ये क्रॉस कन्वेयर में कोल इंटरमीडिएट में गिराएगा। क्रॉस कन्वेयर में कोल कौन गिराएगा, ये जो यार्ड कन्वेयर है इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, तो कोल आके क्रॉस में गिरेगा, क्रॉस क्या करेगा आपका इंटरमीडिएट में कोल गिराएगा, इंटरमीडिएट क्या करेगा बूम कन्वेयर में कोल गिराएगा, बूम कन्वेयर क्या करेगा फील्ड में जो यार्ड है यार्ड में कोल डिस्चार्ज कर देगा। ये रिक्लेमिंग और स्टैकिंग का बेसिक प्रिंसिपल है।